तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के CBSE बोर्ड का फिजिक्स का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का कुछ PYQ जो मिनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQ करेंगे जो कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड वालों के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, जब भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो क्या कंडीशन आता है। देखिए ये आपका ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या क्या कंडीशन आएगा समझिएगा। ये सामने से जो रे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। फिर ये पॉइंट पे पड़ा, पड़ने के बाद फिर ये रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड के बाद यहाँ पे बनेगा नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद फिर ये इमरजेंट रे बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है ये वाला, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, ये भी नहीं होगा। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमरजेंट रे, तो इंसिडेंट रे जो होगा वो इमरजेंट रे के क्या है, पैरेलल है। ए प्रिज्म इज यूज टू, प्रिज्म किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं प्रिज्म में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेस होता है प्रिज्म के अंदर में। कुछ पार्ट लाइट का क्या होता है, व्हाइट लाइट क्या होता है, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये हो गया। उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन प्रोसेस भी यूज होता है, रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, इमेज को रोटेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। यहाँ पे फिर आगे है तीसरा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43 है, ग्लास का 1.53 है, और कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें कोई बोला गया है कि द लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट इन, सबसे धीरे से किस में लाइट जाएगा, सबसे स्लो में कौन सा मीडियम है जिसमें कि सबसे स्लो में लाइट जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि बताया था आप लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के स्पीड के। तो लाइट का स्पीड जिसमें अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा रहेगा उसमें लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। तो ये चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन डाइसल्फाइड को। डैट्स वाई कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो लाइट जाएगा वो बहुत ही धीरे से जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म। तो यहाँ पे व्हाइट लाइट से कौन सा कलर जो होगा वो प्रिज्म से बहुत ही कम डेविएशन होता है, जिसका बहुत ही कम डेविएशन होता है। देखिए समझिए, पहले यहाँ पे गया इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या होता है, सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग विवग्योर बोलते हैं। तो सबसे कम अगर डेविएशन देख रहे हैं यहाँ पे, अगर सबसे कम डेविएशन देख रहे हैं तो सबसे कम होता है रेड का, बट रेड है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग चुनना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेवन पहले इधर बनाना पड़ेगा, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो सबसे कम रेड का, थोड़ा उसके बाद ऑरेंज का, ऑरेंज ऑप्शन में है नहीं है, उसके थोड़ा येल्लो का हो रहा है, तो येल्लो ऑप्शन में है, तो येल्लो ऑप्शन में। तो ये चारों में से सबसे जो कम डेविएशन होगा, सबसे कम जो डेविएशन होगा वो किसका होगा, येल्लो का होगा। चलिए हम इसको मिटा दें पहले, उसके बाद फिर तब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन अ डीप सी इज ड्यू टू, तो जो वाटर का जो ब्लू कलर होता है वह किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो वाटर का जो ब्लू कलर होता है वह किसकी वजह से होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट फाउंड इन वाटर, तो वाटर के अंदर जो एल्गी या फिर जो प्लांट्स होते हैं उसकी वजह से होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन और लाइट बाय द सी, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्शन ऑफ इसका इन द वाटर। बिकॉज जैसे कि वाटर जो वाटर यहाँ पे वाटर का बहुत सारा लेयर है यहाँ मान के चलिए, ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे क्या है इसका है, और इसका दिखता है ब्लू, स्काई दिखता है ब्लू, तो ब्लू का रिफ्लेक्शन किस में पड़ता है, वाटर पे। डेट्स वाई जिसके कारण वाटर भी हमको क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट इन एयर। तो यानी क्या, देखिए व्हाइट लाइट में हम लोग सभी जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो होता है वो सेवन कलर्स का मिलके सेवन कलर्स से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग विवग्योर बोलते हैं, वी आई बी जी वाई
और ये आर, ठीक है। तो इग्नोर माय डायग्राम, डायग्राम से बिल्कुल हटके रहिएगा। तो आप लोग को कॉपी में बहुत अच्छे से बनवाया गया, तो उसमें ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ सेवन कलर से, मतलब सेवन कलर से मिलके बना हुआ है व्हाइट लाइट। तो यहाँ पे हम चार ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, रेड लाइट सबसे तेजी से मूव करता है। ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट से ज़्यादा ब्लू लाइट मूव करता है। ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, क्या सब लाइट का जो जितना भी कलर है सबका सब एक ही स्पीड से ट्रेवल करता है लाइट में। येलो लाइट जो होता है वो मीन स्पीड है एज डेट ऑफ द रेड और वॉलेट लाइट, रेड और वॉलेट लाइट का मीन स्पीड बोला जाता है येलो लाइट को। देखिए सबसे पहला बात, लाइट भले ही किससे मिलकर बना हुआ है, सेवन कलर से, बट जब हम लोग स्पीड का बात करते हैं तो स्पीड में सभी सेवन लाइट्स का जो स्पीड होता है वो सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। रहा बात येलो लाइट, ये वाला जो है मीन स्पीड है, मीन स्पीड नहीं है ये बात याद रखिएगा, मीन स्पीड नहीं है। येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, तो इसका रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वॉयलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका एवरेज होता है कौन, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीन, ना कि स्पीड होता है मीन। तो याद रखिएगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ द लाइट, लाइट का कोई भी कलर रहे, सब कलर का, सभी लाइट के कलर का स्पीड सेम होता है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लाइट की स्पीड को। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हेन पासिंग थ्रू, अब ऑब्वियस है कि सबसे कम किस में लाइट का स्पीड होगा, ग्लास में, एयर में, वाटर में, वैक्यूम में, सबसे कम जो होगा वो ग्लास में होगा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है विथ कंपेरिजन टू थ्री अदर्स, तीन के कंपेरिजन में ग्लास का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डेट्स वाई ग्लास का जो स्पीड होगा, लाइट का जो स्पीड होगा ग्लास में वो बहुत ही कम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोविंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि हम लोग लेंस यूज नहीं कर सकते। क्ले, क्ले मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो डेट्स वाई हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं लेंस में। वेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एन इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, अब देखिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में ये कंडीशन बताया गया, आप लोगों को याद होगा ये कॉनकेव मिरर है। उसके बाद फिर यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग सी, इसको बोलते हैं हम लोग एफ, और इसको पी बोलते हैं ना, पोल है ये, और यहाँ पे आता है सी। विद इन द फोकस, फोकस के बीच में रखा गया, तो यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से रूल था हम लोग इधर से एक लाइट पास करते हैं जो कि किससे ट्रैवल करेगा, फोकस से ट्रैवल करता है। दूसरा रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से एक लाइट पास करेंगे जो कि सीध और किसके थ्रू, वर्टेक्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स के थ्रू, तो ये आगे बढ़ते बढ़ता चला जाता है। तो अब एक दूसरे को तो कट करेगा नहीं, तो यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा होता है, तो जहाँ पर कट किया वहाँ पर इमेज बना, ठीक है। तो कैसा बनता है इमेज, यहाँ पे जो इमेज बढ़ता है आप लोगों को बताए थे, वर्चुअल इमेज बनता है और साथ में इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो कॉनकेव मिरर में तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये माइंड में याद रख लीजिए अच्छी तरह से डायग्राम, और इसी डायग्राम का यूज हम लोग जो है डेंटल सब जो मतलब डेंटल सब करते हैं, हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज किया करते हैं वो सब। चलिए डेंटिस्ट सब, इन द फॉलोविंग डायग्राम, नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है आपको, पाथ ऑफ द लाइट, लाइट का जो पाथ है वो दिया हुआ है प्रिज्म से थ्रू। इन दिस डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ देखिए ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे लास्ट वाला जो इमरजेंट रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्यू को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ डेविएशन, तो देखिए द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया पी, और तो कुछ नहीं बोला था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया वाई, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया क्यू, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया पी, तो वाई क्यू पी, वाई क्यू पी कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट में रेड कलर का, रेड कलर दिखता है ना, वो एकदम खून के जैसा दिखता है। तो क्यों दिखता है, रेड कलर इज लेस स्कैटर्ड, ब्लू कलर इज लेस स्कैटर्ड, रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। तो रेड कलर का स्कैटरिंग जो होता है वो सबसे कम होता है, याद रखिएगा रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए वो दूर से भी अगर पॉइंट सोर्स की तरह दिखता है और दूर से वो फैलता ही नहीं, और ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो इसका जो रीजन, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा,
रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसीलिए रेलवे सिग्नल का कलर हो जाए या फिर कोई भी डेंजर का कलर हो जाता है वो कोई भी फॉग में क्या होता है स्कैटर्ड नहीं हो पाता है, ड्यू में नहीं हो पाता, जिस वजह से रेड कलर दूर से भी हमको दिख जाता है। डेट्स वाई हम लोग कोई भी डेंजर सिग्नल में रेड कलर का यूज़ करते हैं। डेट्स वाई हम अभी आप लोगों के सामने रेड इंक का यूज़ कर रहे हैं। अ रियल इमेज, इसका सही ऑप्शन डी हो, मतलब ये नंबर हो जाएगा, रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड। ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेंड, एक रियल इमेज बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का, द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, उसके लिए कौन सा मिरर, देखिए प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, बचा कौन, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में हमेशा कभी रियल बनता है कभी, एक केस है जिसमें वर्चुअल बनता है बाकी बचे से केस में रियल। तो यहाँ पे बोला रियल इमेज फॉर्म्ड करने के लिए कौन सा मिरर लेना पड़ेगा, तो कॉनकेव मिरर लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फेनोमेना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट इन द स्काई। ऑब्वियस है सभी जानते हैं, रेनबो इसका हो जाएगा, क्योंकि रेनबो से जब भी, रेनबो में क्या होता है क्या कि मतलब बारिश होने के बाद बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हमारे जमा होते हैं ऊपर में। ठीक है, तो जब भी ऊपर में सनलाइट पड़ता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स किसकी तरह बिहेव करने लगता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है, और प्रिज्म से जब भी लाइट वेव जाता है तो व्हाइट लाइट जाएगा तो उसको सेवन कलर्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देता है, और यही एक पैटर्न दिखता है हमको जिसको बोलते हैं रेनबो। आगे चल के इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेगा, प्राइमरी रेनबो होता है, सेकेंडरी रेनबो होता है, प्राइमरी रेनबो में एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी रेनबो में दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, स्टार्स बीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, ये भी यहाँ पे एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, एडवांस सनराइज डिले सनसेट, ये भी आपका एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी है ना, डी, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस, इसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो माइनस में यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव, याद रखिएगा कॉनकेव लेंस और कॉनवेक्स, सॉरी कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ कॉनकेव हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम, ये जो जितने भी डायग्राम्स है उसको स्टडी कीजिए, इन विच द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से जब भी हम लोग पाथ को, मतलब ग्लास प्रिज्म से जब भी लाइट को पास करते हैं तो लाइट को पास करने के बाद देखिए क्या होता है, ऐसे पास किए, पास करने के बाद यहाँ पे एक सरफेस मिला, सरफेस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो ये नॉर्मल, ये सरफेस क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, क्योंकि इधर रेयर मीडियम है और इधर क्या है डेंसर मीडियम है, नॉर्मल की तरफ बेंड किया, बेंड करने के बाद फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ नॉर्मल बनाएंगे, अब यहाँ डेंसर मीडियम है इधर रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और ऐसा डायग्राम बना, तो ऐसा कोई डायग्राम है जो मैच कर रहा है ऐसा, तो ये देखिए ये तो नहीं होगा, ए नंबर नहीं, ये पी नंबर नहीं होगा, आर नंबर भी नहीं होगा, एस नंबर भी नहीं होगा, होगा क्या क्यू नंबर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर पे, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस एक्स है जिसका उसका स्पीड दिया हुआ है और एयर में इसका स्पीड इतना है, तो एक्स सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय सी एम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड बाय, फिर आगे क्या है, 1.25 × 10⁸, क्या हो गया इसको, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁸ मीटर, 10⁸ खत्म हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो 300 हो जाएगा बाय 125। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट उड़ गया तो ऊपर चला जाएगा, तो 300 हो गया, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद देखिए कितना आता है, तो 1.25 पे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे कितने बार में, 5 टाइम्स में करते हैं डिवाइड, तो ये आ गया 25 और इधर आ गया 60। ठीक है, फिर 5 टाइम्स में जाएगा तो इधर आ जाता है 5 और इधर आ गया 12, उधर 12 और नीचे 5, तो 12/5 को क्या लिखेंगे, 2.4, तो
2.4 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू फिटेड इन अ व्हीकल। देखिए रियर व्यू में क्या होता है याद रखिएगा, रियर व्यू में हम लोग हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, रियर व्यू में हम लोग हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। तो जब हम लोग रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनता है, देखिए इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू आप लोग को याद होगा कि एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज बनता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो जब कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसका वैल्यू वन से हमेशा छोटा आता है, क्या हो जाएगा इज लेस देन वन हो जाएगा इसका, ठीक है। इक्वल्स टू वन किस में होता है तो याद रखिएगा जब हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं तो प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल रहता है, डेट्स वाई वो दोनों कट जाता है जिसके कारण प्लेन मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो वन होता है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कौन सा मिरर है आप कहीं भी रहिए लेकिन आपका इमेज जो हमेशा सीधा दिखाई देगा तो हम मिरर हो सकता है, एक सेकंड पीछे चला गया ये, ठीक। तो वो मिरर कौन सा मिरर हो सकता है तो ये बोल रहा है, तो वह मिरर होगा कौन सा याद रखिए, देखिए ये हो गया। तो सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर तो होने वाला नहीं है क्योंकि कॉनकेव मिरर में आप पोजीशन चेंज कीजिएगा तो साइज बढ़ता घटता रहता है। तो दो मिरर हो सकते हैं, या तो क्या आ जाए प्लेन मिरर आ जाए या तो फिर कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, दोनों में ही सीधा इमेज बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दे पहले, चलिए तब। ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से सनराइज और सनसेट में कितने मिनट का अंतर रहता है तो इसमें 4 मिनट का अंतर रहता है। व्हेन द पावर ऑफ लेंस इज इंक्रीज द डिफेक्ट ऑफ विजन इज प्रोड्यूस्ड, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नॉन एज। जब हम लोग पावर ऑफ लेंस मतलब व्हेन द पावर ऑफ आई लेंस का जब पावर इंक्रीज होता है तो कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन प्रोड्यूस होता है तो याद रखिएगा इसमें जब पावर मतलब आई लेंस का जब पावर हम इंक्रीज करते हैं तो आई लेंस का जब पावर इंक्रीज किया जाएगा तो कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग का जो आई लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब कॉन्वेक्स लेंस का पावर अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद लॉन्ग साइटेडनेस बीमारी हो जाती है, लॉन्ग साइटेडनेस बीमारी हो जाती है जिसमें कि हमको लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 4 सब्सटेंस पी क्यू आर एस। ये पी का दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्यू का दिया हुआ है, ये R का दिया हुआ है और ये S का दिया हुआ है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा किस में लाइट फास्ट चलेगा तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, S का, तो S में लाइट्स बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा, चलिए मैक्सिमम होगा इसका उसमें लाइट का स्पीड। अब आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमको ना, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका क्या होता है तो म्यू डी बाय म्यू जी। इफ द एब्सोल्यूट मतलब होता है एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो एयर के रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ 1.5 बाय, फिर इधर पीछे हो जाता है तो रुकिए वेट, हाँ तो 1.5 बाय, अब ये इधर क्या आ जाएगा म्यू जी, तो म्यू जी का वैल्यू एक सेकंड म्यू डी है ना ऊपर में, म्यू डी बाय 1.5 आ गया यहाँ पे बराबर, ये दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना 1.6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा म्यू डी बराबर, तो कितना लिखिएगा 1.6 इंटू 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑन एन एवरेज 240 आता है, 240 टू पॉइंट्स के बाद डेसिमल देंगे तो 2.4, तो 2.4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड मतलब एक क्लास है उस क्लास में सामने ब्लैक बोर्ड है और सबसे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, और वह ब्लैक बोर्ड को देख पाता है बट वो जो है अपने बुक में जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने में अनेबल है, नहीं पढ़ पा रहा है।
ठीक है, तो वह कौन सा बीमारी से ग्रसित है, वो एक प्रकार से मान के चलिए, तो उसको कौन सा बीमारी है, दूर का ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है बट नज़दीक का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसी को बोलते हैं क्या कि नियर पॉइंट जो होता है उससे दूर भाग गया है, नियर पॉइंट उसके नज़दीक में, जहाँ पर नियर पॉइंट है उससे थोड़ा सा पीछे है नियर पॉइंट, जिस वजह से वो नहीं देख पा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन होगा। वट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना, तो रेटिना पर किस टाइप का इमेज फॉर्म्ड होता है, तो रेटिना पर जो होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होता है। हाउ आर वी एबल टू सी बोथ द नियर बाय एंड द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, अब देखिए नियर बाय और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे भी करके देख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं आई का जो ये कैपेसिटी है कि चाहे कोई वस्तु नज़दीक में रहे या फिर चाहे कोई वस्तु दूर में रहे, हमारा जो आई लेंस, हमारे अंदर में जो आई लेंस है, आई लेंस को जो पकड़ के रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेरी मसल्स, वो आई लेंस की फोकस में बार बार क्या करता है, चेंज करता है, और चेंज करके हमको जो ऑब्जेक्ट देखना रहता है उसको वहाँ पे जाके फोकस्ड करता है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई, तो इस सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 में चलते हैं, ए बर्निंग कैंडल हुज फ्लेम इज 1.5 सेंटीमीटर टॉल, एक बर्निंग कैंडल है जिसका फ्लेम जो है 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को लेंस से उसको कुछ सर्टन डिस्टेंस पर रखा गया है, और उसका फ्लेम का जो इमेज है वो भी 1.5 सेंटीमीटर पर बन रहा है, 1.5 सेंटीमीटर का ही है। अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस का वह कौन सा केज है जिसमें कि हाइट, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही हाइट का इमेज बनता है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, 2f पे रखते हैं। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, याद रखिएगा 2f पे आप कंडीशन जाके देखिए, 2f पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जितने हाइट का ये है उतना ही हाइट का क्या बनता है, इधर बनता है। अदर कोई भी केज ऐसा नहीं है जिसमें कि अगर हम इधर पीछे बढ़ाते जाएंगे तो इमेज छोटा होता चला जाएगा, अगर हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो इमेज बड़ा होता चला जाता है। तो बस 2f एक ऐसा केज है जहाँ पे कि हाइट, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों हाइट क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 में द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स, मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना प्रिज्म के थ्रू, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। सनसेट इज रेड बिकॉज एट दैट टाइम लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल, तो जब सनसेट होता है तो सनसेट के टाइम में लाइट को बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता है, तो लंबा दूरी तय करने के टाइम में क्या होता है कि जो एटमोसफेयर का थिकनेस होता है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहने के कारण बाकी बचा जो 7 कलर्स में जो 6 लाइट है उसका स्कैटरिंग हो जाता है और वो फैल जाता है, बट रेड लाइट का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, वही हमारे आँख तक पहुँच पाता है तो हम लोग उसको देख पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज़ द लीस्ट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म, कौन सा ऐसा लाइट है जिसका कि सबसे कम स्पीड है ग्लास प्रिज्म में, तो याद रखिएगा वायलेट का, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उसका उतना ही स्पीड कम होगा, जिसका जितना कम डेविएशन होगा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, कैसे बोलते हैं समझिए, प्रिज्म एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, अगर एक्चुअल में प्रिज्म बनाएंगे तो प्रिज्म ऐसा दिखता है, 3D में दिखाते हैं, ये देखिए ये है ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, यहाँ पे बना, तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया, इधर वाला एक रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया, तो इसी चीज़ का ये वाला जो डायग्राम, ये चीज़ यहाँ बनाया, तो इसको बोलते हैं दो रिफ्रैक्टिंग पार्ट, एक वाला ये, एक वाला ये, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ए वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑप्टेन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू डी ऑफ 36 सेंटीमीटर, तो इधर से हम लोग फोकल लेंथ निकाल देंगे, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, तो 36/2 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज है तो यहाँ जो 3 times दिया हुआ है ये 3 times क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन, और ये क्या चीज़ में, प्लस में या माइनस में, जब भी वर्चुअल इमेज बने तो प्लस में मैग्नीफिकेशन लेते हैं, रियल इमेज बनेगा तो माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस, यहाँ पे और दिया हुआ है क्या, ये एफ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ना,
चलिए देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप देखिए वी बाई यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वी बाय माइनस वी बाई यू। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री यू इज इक्व टू क्या आ गया, वी। तो चलिए तब इसमें तो बनाना पड़ेगा लंबा चौड़ा, देख लीजिए। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला जानते हैं, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्व टू वन बाय एफ। तो वन बाय वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाय थ्री यू, ठीक है, प्लस इधर आ गया वन बाय यू बराबर वन बाय एफ का वैल्यू। यहाँ पे जो एफ होगा वो क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो माइनस में होता है, माइनस एटीन। तो वन बाय यू इज इक्व टू क्या लिखेंगे, वन बाय माइनस एटीन, फिर उधर जाएगा तो प्लस वन बाय, अच्छा एक सेकेंड रहने दीजिए इसको, माइनस वन बाय थ्री यू। तो थ्री यू और यू कैल्शियम ले लिए तो थ्री यू आ गया, तो माइनस वन प्लस थ्री बराबर आ गया वन बाय एटीन। तो सब ऊपर वाला को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ रहा है टू बाय थ्री यू इज इक्वल्स टू वन बाय एटीन, ठीक। तो थ्री सिक्स जा, तो यू का वैल्यू बच्चा पार्टी आ रहा है ट्वेल्व, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो याद रखना इसको, तरीका देख लीजिए कैसे बनाया गया, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आई। तो ह्यूमन आई का वह पार्ट जो कि लाइट को हमारे आई में इंटर करने देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पुपिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट्स इंक्लूड ऑल होमोलोगस ऑर्गन। देखिए ये बच्चा पार्टी बायोलॉजी का क्वेश्चन सेट हो गया, थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो होमोलोगस ऑर्गन आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, तो होमोलोगस ऑर्गन का जो एक्चुअल है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंड लेग ऑफ पिग डक एंड कंगारू। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, जो स्ट्रक्चर से सेम है ना, स्ट्रक्चरली कोई एक एंसेक्टर से आए हुए हैं बट उसका वर्किंग जो होता है दोनों का अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट फॉर अ मायोपिया पेशेंट इज डबल, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू क्योर इट विल इल विल। इसका भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर एंड द स्फेरिकल लेंस इज 0.8। तो अब समझिए, स्फेरिकल मिरर है, तो मिरर अगर स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, एम बराबर माइनस वी बाई यू, तो ये माइनस लगा होगा तब आया। तो उस कंडीशन में मिरर जो होगा, इस कंडीशन में अब स्फेरिकल मिरर में यहाँ माइनस लगा हो रहता है, अगर माइनस तो, अगर फिर आगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे माइनस माइनस तब क्या होगा, प्लस होगा। तो उस कंडीशन में जो होगा, जो मिरर बनेगा वो मिरर कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, और जो लेंस होगा लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से एक बार दिमाग लगाइएगा, दो मिनट जितना भी नोट्स लिखवाया गया उसी के अंदर से सारा कहानी है इसका, है ना। हम लास्ट में कहीं ना कहीं डील किए हुए हैं इसको, तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम लेके इसको समझ सकते हैं। स्फेरिकल लेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, अरे सिंपल से इतना बताए थे ना, तो m का वैल्यू मतलब मिरर के लिए क्या होता है, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी बाई यू मिरर के लिए, फिर m इज इक्वल टू वी बाई यू क्या होता है, लेंस के लिए। तो अब दोनों दिमाग लगा लो कौन सा किस में होगा, ठीक है। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ यंग पर्सन नॉर्मल आई रेस्पेक्टिवली आर। तो नियर पॉइंट क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, इमेज होता है, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज तो वर्चुअल बनता है, डेट्स वाई यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स द इमेज ऑफ अ वॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिए, एक मिरर है और इस मिरर का यहाँ पे इमेज निकल रहा है स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, और यहाँ ये वाला क्या आपका मिरर है, ठीक है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इमेज निकाल रहा है। तो ये मिरर तभी अपना इमेज बना पाएगा जब यहाँ से सभी लाइट क्या होगा, एक जगह फोकस्ड होगा। जहाँ से ये सभी लाइट फोकस्ड होगा तो ये वाला क्या है, मिरर है, और ये वाला क्या है, स्क्रीन है। तो अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस को पता कर लें, तो हमको पता चल जाएगा कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो हमको किसके बीच का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, स्क्रीन और मिरर के बीच का, मिरर एंड स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिरर अपना इमेज इस स्क्रीन पे तभी बना पाएगा जब ये सभी लाइट को इस स्क्रीन पे क्या कर पाए, फोकस्ड कर पाए। अगर फोकस्ड ही नहीं है तो नहीं बना पाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए 40 में क्या है, स्टूडेंट वेरी यानी कॉशियसली ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे थ्रू अ ग्लास स्लैब फ्रॉम अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन, एंगल आई बोल दिया इसको, देन ही मेजर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, सबको मापा और बोला कौन सा रिलेशन सही है। देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं, देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म से ये लाइट गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये वाला भी, ठीक है, और ये इमरजेंट है। देखो यहाँ पे एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल रहता है, बट ये दोनों जो एंगल यहाँ पे एंगल आर बन रहा है ये छोटा होता है, तो मतलब क्या हुआ, एंगल आई और ई दोनों इक्वल है और एंगल आर जो है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं ये क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो ऐसा वाला साइन आएगा, तो ऐसा कोई रिलेशन है यहाँ पे, एंगल ये वाला तो नहीं होगा, एंगल आई आर ये भी नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये देखिए ये लास्ट वाला एंगल, ये दोनों बराबर रहेगा, बट ई से छोटा है आर, आई से छोटा है आर, तो ये दोनों से ही छोटा होगा, मतलब आई और ई क्या होगा, आर से बड़ा होगा। थोड़ा टाइम लेगा बट समझने का ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन लेवल में तो रो तो रहेगा ही। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन आई गेट्स फोकस्ड ऑन द रेटिना बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट, किसके रिफ्रैक्शन की वजह से बना है, ठीक है, क्यों रिफ्रैक्शन रेटिना पे क्यों, मतलब जैसे यहाँ मान के चलिए लाइट जाता है, लाइट जाने के बाद वो एक जगह क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से वो रेटिना पे इमेज बना लिया। तो ये जो रेटिना पे इमेज बना है कैसे बना पाया इमेज, तो कॉर्निया की वजह से, क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से, विट्रियस ह्यूमर की वजह से, वेरियस सरफेस इन द आई की वजह से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, फोकस्ड करता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स ताकि इमेज कहाँ बन पाए, रेटिना पर बन पाए। विथ बोथ आईज ओपन अ पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट, एक आदमी है जिसका दोनों आंख खुला हुआ है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो, 180 डिग्री का, और अगर एक आई से बोलेंगे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 150 डिग्री का एंगल बनाएगा, वन आई से 150 डिग्री का, दोनों आई से 180 डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। व्हेन द लाइट रेज इंटर द आई, जब लाइट रेज जो है आई में इंटर करता है, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, रट लेना इस बात को। 43 ये तो हो गया आउटर सरफेस ऑफ। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन आई गेट्स फोकस्ड ऑन द रेटिना बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट, क्रिस्टलाइन लेंस दोबारा हो गया, रिपीट। एक कॉन्वेक्स लेंस है जब फोकल लेंथ बच्चा पार्टी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा इसका फोकल लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन वुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दिस कॉन्वेक्स लेंस मे एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग लेंस, ऑब्वियस है बच्चा पार्टी, देखो मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा पाए, देखो यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस, तो याद रखिए यहाँ पे समझिए, आप लोग को ये सब चीज़ बहुत विस्तार से बताया गया, कॉपी में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ये F1 है, ये वाला 2F1 है, ठीक है, और इधर हम लोग बात करते हैं, ये F2 है और इधर वाला 2F2 है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम रखें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से लाइट रे पास किए, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो गया, देखो हो गया। दूसरे में क्या करते हैं, यहाँ से एक रे पास करते हैं और यहाँ से एक रे पास करते हैं, ठीक है, और ऐसे जाता है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगा, तो ये कट करता है पीछे, ये भी कट गया पीछे, ठीक, मेरा पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये छोटू सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा इमेज बना है, तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना इसका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ है, तो इसी के बीच में रखना पड़ेगा, तो 10 से छोटा यहाँ पे कोई वैल्यू है, 10 से छोटा वैल्यू है, हाँ हाँ है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ फोर मटेरियल, ये है बच्चा पार्टी ए का दिया हुआ है, ये है बच्चा पार्टी बी का, ये है सी का, ये है डी का, तो
तो व्हेन लाइट इज पास थ्रू, मतलब सब लाइट जाता है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किस में होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, सबसे ज़्यादा अपना पाथ डेविएट करेगा, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1.71 शायद सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो डेट्स वाई यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। विच अमंग द गिवन रेडिएशन इज प्रिफर्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफिक इन फॉग, फॉग में फोटोग्राफ्स के कौन सा वेव से ज़्यादा होगा, तो ऑर्डनरी विजिबल लाइट, ऑर्डनरी विजिबल लाइट से नहीं होने वाला कुछ भी, माइक्रोवेव से नहीं होता है, एक्सरे से नहीं होगा, सही ऑप्शन होगा इन्फ्रारेड। क्यों भैया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे विवग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, आर से ऊपर होता है इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड, तो ये इन्फ्रारेड का स्कैटरिंग बहुत बहुत कम होता है, जब रेड का कम होता है स्कैटरिंग तो इन्फ्रारेड का स्कैटरिंग तो बहुत कम होगा, जब स्कैटरिंग बहुत कम होगा तो ड्यू लाइट में क्या होगा कि रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग हो नहीं पाएगा, तो जब ड्यू लाइट में स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा लाइट को बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं करेगा, जिस वजह से ड्यू लाइट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से फोटोग्राफी कर सकते हैं, डेट्स वाई हम लोग इन्फ्रारेड का यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, देखो 48 में कुछ नहीं है बच्चा, पढ़े समझो, यहाँ पे बताते हैं इसमें, एक स्टूडेंट है और टीचर जो होता है ना उसको बोलता है कि चलो भैया तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मेजर करके लाओ। अब ये सिक्स ट्रायल में क्या किया है, अब बोला गया कि कौन सा ट्रायल है उसका जो कि उसके द्वारा किया गया गलत है, तो आपको क्या करना है, देखो किसी भी जो कोई भी एक पर्टिकुलर मिरर है या फिर पर्टिकुलर लेंस है, उसका लेंस है यहाँ पे ना 1/v-1/u=1/f होता है ना, तो कोई पर्टिकुलर लेंस जो होगा, याद रखिएगा कोई भी पर्टिकुलर लेंस जो होता है उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, एक सर्टन वेवलेंथ होता है, सर्टन फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, तो इसमें अगर निकालते हैं तो इसमें 12 आएगा, इसमें भी 12 फोकल लेंथ आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, बट तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है कि 12 फोकल लेंथ नहीं आ रहा है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बच्चा के द्वारा उस मिरर के लिए, उस पर्टिकुलर लेंस के लिए क्या था, गलत था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 49 पे आते हैं बच्चा पार्टी, तो देखो पहले यहाँ पे क्या क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 2 है तो 2 लिख दी यहाँ पे, एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन है, आई 1 है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस 1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है यहाँ पे 4 है, ठीक है, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये है, इमरजेंट रे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, सबका डायग्राम प्रैक्टिस करके भी रखना है तो ताकि बेस आगे मजबूत रहे, ठीक है। 3 तो 2143 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है ये आपका, ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन दो बार रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड नियर टू द लेंस, तो नियर टू द लेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को बेसिकली क्या करते हैं क्या कि हम लोग फोकल लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नज़दीक पास हो जाएगा इमेज बनेगा, ठीक है। तो आप इसका रे डायग्राम देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस को ही बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस में क्या, अगर पर्टिकुलर तरीके से देखते हैं तो जैसे जैसे आप इमेज को ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी आपका ऐसे नज़दीक आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड नियर टू द लेंस, तो इसको नज़दीक लाना है तो नज़दीक लाने के लिए क्या करेंगे, फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सॉरी ए नंबर, तो डिस्टेंस से क्या करेंगे, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये इमेज जो होगा नज़दीक आते जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मिस हो गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल था 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप लोग मतलब धैर्य से पढ़ो, करवाने का तो बहुत ईजी करवा सकते हैं, मज़ा भी आएगा उसमें, बट थोड़ा दिमाग लगाने वाला कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्चुअलिटी में बहुत ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, तो ठीक है, बहुत रात भी हो चुका है, तब पहले गुड नाइट सबको, ठीक है, मिलते हैं कल।